नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम सुमित्रा नंदन पंत कृत राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रथम रश्मि की व्याख्याएं और उसके आगे जो भी सम्मिलित हैं की गई हैं उनकी व्याख्याएं करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में इनका नाम आता है। छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति में इनका मन बहुत ही रमा है। प्रकृति प्रेम इनके स्वभाव का अभिन्न अंश है। वास्तव में अल्मोड़ा के रहने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने अपने प्रकृति प्रेम को कई जगह अभिव्यक्त भी किया है। वो कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली। इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपनी जन्मस्थली को दिया है। सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं एक जगह कि साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने ही मुझे अधिक लुभाया है, पर उसका उग्र रूप भी मैंने कहीं कहीं जैसे परिवर्तन में चित्रित किया है। प्रकृति का सुंदर रूप उन्हें बहुत ही आकर्षक लगा है और इसलिए अपने काव्य में उसका उन्होंने चित्रण भी किया है। तो प्रकृति उनकी सहचरी रही है। हर जगह उन्होंने अपने लगभग आधी शती का जो उनका रचनाकाल है उसमें उनकी मुख्य सहचरी के रूप में प्रकृति ने ही साथ निभाया है। प्रकृति चित्रण के विभिन्न रूप पंत जी के काव्य में आए हैं। विभिन्न रूपों में प्राकृतिक उपादानों से सौंदर्य चेतना में उनके निखार आया है, काव्य में निखार आया है। प्रकृति का आलंबन रूप उन्हें बहुत भाया है। प्रकृति का आलंबन रूप ही यहाँ पर इस कविता प्रथम रश्मि में भी हमको दिखाई देता है। प्रथम रश्मि में कवि जो हैं वो प्रातःकालीन जो सूर्य की किरण है उस प्रातःकालीन सूर्य की किरण के पृथ्वी पर आते ही या उसके आने की सूचना जो है वो छोटी सी जो एक चिड़िया देती है चहचहा करके, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कुतूहल हो रहा है। उसी कुतूहल को उन्होंने प्रथम रश्मि का कविता के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं प्रथम रश्मि की। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल बिहंगनी पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी कैसे तूने पहचाना। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को बड़ा कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा करते हुए कौतूहल में रचे हुए पंत जी बोलते हैं, एक बाल बिहंगनी को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, एक छोटे पक्षी को जो बाल रूप की जो पक्षी है छोटी पक्षिनी है, तो बोल रहे हैं कि हे पक्षिनी हे बाल बिहंगनी तूने प्रथम रश्मि का आना, इस पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण का आना
हे रंगिनी, हे रंगीली चिड़िया, आनंद मनाने वाली चिड़िया, तूने प्रथम रश्मि के आने को कैसे पहचान लिया। अर्थात जब सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदित होने पर तो सभी को पता चल जाता है कि प्रातःकाल हो गया, सुबह हो गई, लेकिन सुबह होने की सूचना तुझे कैसे पता चलती है। तो यहाँ पर बड़ी जिज्ञासा है, कौतूहल है, आश्चर्य है कि पहली रश्मि को हे बाल बिहंगनी तूने कैसे पहचान लिया कि अब सूर्य उदित होने वाला है। तो प्रथम रश्मि हम जब देखते हैं कि सूर्य उदित हो रहा है, होने वाला है, उस समय का हमें आभास हो जाता है कुछ किरणें देख करके, लेकिन कुछ किरणें नहीं। यहाँ पर प्रथम रश्मि की बात हो रही है। विशेषता देखिए कि पहली जो रश्मि है, पहले सूर्य की जो किरण है, ये आश्चर्य करके उससे पूछ रहे हैं कि पहली रश्मि का आना हे पक्षिनी, हे बाल बिहंगनी, तूने कैसे पहचान लिया। सोई थी तू स्वप्न नेड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, पहरी से जुगनू नाना। कि हे चिड़िया, हे छोटी पक्षी, छोटी अवस्था वाली चिड़िया, यहाँ पर बाल बिहंगनी बोल रहे हैं, यानी कि उसकी आयु भी बहुत कम है चिड़िया की, कि हे छोटी सी चिड़िया, बाल अवस्था वाली चिड़िया, तू तो आराम से अपने स्वप्न के नीड़ में सोई हुई थी, अपने घोंसले में सपने ले रही थी, सपने लेते हुए सो रही थी कि कुछ क्षण पहले तक तो तू आराम से सोई हुई स्वप्न देख रही थी, पंखों के सुख में छिपकर, कि पंखों के बीच में छुप कर के, उसको ओढ़ करके आराम से सुखपूर्वक सोई हुई थी। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और ऐसे लग रहा था मानो ऊँघते हुए जुगनू तुम्हारे उस घोंसले के चारों ओर घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे हो। तो जिस समय जुगनू बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, तुम आराम से अपने पंखों के अंदर छुपी हुई नींदों में सोई हुई हो, सपने देख रही हो, ऐसे समय में आराम से सोते हुए जब चारों रात्रि का माहौल है, वातावरण है, हे बिहंगनी, बाल बिहंगनी, तुझे सूर्य उदित होने वाला है, सूर्य उदित हो गया है, उसकी पहली किरण पृथ्वी पर पड़ गई है, ये तुम्हें कैसे पता चला। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, झूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। ये कह रहे हैं शशि किरणों का, अर्थात चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर उतर रही हैं, उतर उतर करके। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, बाल बिहंगनी से कह रहे हैं कि जिस समय चंद्रमा से किरणें पृथ्वी पर उतर उतर करके भू पर आ रही थी, भू पर काम रूप किसको कहते हैं, अपनी कामना के हिसाब से रूप धारण करने वाले। तो भू पर, इस भूमि पर जब नव से, आसमान से उतर उतर करके अपने हिसाब से अपना रूप बदल बदल करके शशि की किरणें जो हैं, उस ऐसे बहुत ही सुंदर कल्पना पंत जी ने की है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं मानो उन पर, उनसे उतर करके, आसमान से उतर करके नीचे पृथ्वी पर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना, कि उससे उतर करके भूमि पर जो अनेक जो नवचर थे वो पृथ्वी पर आ रहे थे और नवीन नवीन कलियों के सुंदर मुख को झूम करके उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। बहुत सुंदर कल्पना इन्होंने की है कि चंद्रमा की किरणों पर, किरणों से उतर करके पृथ्वी पर नव से तितलियां, भौंरे और ऐसी जो छोटे छोटे जो फूलों पर मंडराने वाले कीट हैं, वो मानो चंद्रमा की किरणों से उतर करके भूमि पर आ रहे हैं और जो नवीन कलियां हैं छोटी छोटी, उनकी मृदु मृदु कोमल मुखड़ों को उनको मुस्कुराना सिखा रहे हैं। जो कलियां अभी तक खिली नहीं हैं
उन कलियों का स्पर्श करके वो उनको मुस्कुराना सिखा रहे हैं। तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने किया है कि बाल बिहंगनी जो कि रंगनी है, आनंद करने वाली जो पक्षिनी है, अभी रात्रि ही हो रही है, रात्रि का वातावरण समाप्त भी नहीं हुआ है कि सूर्य की पहली किरण को ही यह बाल बिहंगनी पहचान लेती है। तो उसके साथ में ही रात्रि के उस समय का वातावरण चित्रित कर रहे हैं पंत जी, जबकि सूर्य की प्रथम किरण आ गई है और चंद्रमा की किरणें भी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, चंद्रमा की किरणें भी पृथ्वी पर पड़ रही हैं और पड़ती हुई ऐसे लग रही है मानो उन किरणों से उतर कर के ही वो अपनी इच्छा के अनुरूप अपना स्वरूप धारण करके नवचर पृथ्वी पर आ रहे हैं और छोटे छोटे पुष्पों को, कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस बाल बिहंगनी को कैसे पता चला कि अब सूर्य उदय हो गया है, उसकी प्रथम किरण इस पृथ्वी पर पड़ गई है। तो यहाँ पर रंगनी और बाल बिहंगनी का जो संबोधन है वो उनके प्रकृति प्रेम का सूचक है पंत जी का। बहुत ही सुंदर कल्पना इन्होंने की है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की किरणों के माध्यम से कामरूप नवचरों का उतरने का, प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप किया है जिसे यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, और छायावादी काव्य परंपरा में मानवीकरण अलंकार जो है वो सभी कवियों ने प्रयुक्त किया है। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, समासोक्ति अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण में उनकी कल्पना जो अनुभूति है, भाव प्रवणता है और जो गेयता है इस कविता में वह दृष्टव्य है, देखने लायक है। नव कलियों का मृदु मुख, इस कथन से हम नायक नायिका की श्रृंगारिक व्यंजना भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन वास्तव में ये प्रथम रश्मि जो कविता है ये मुझे तो प्रकृति का स्वाभाविक और आलम्बन रूप ही इसमें दिखाई देता है। आज हम इतना ही करेंगे, इस व्याख्या को कल आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।